हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप जैसे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो गाइस, आज काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं आ गया हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ। एक बार फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था, मोटो ब्लॉगिंग बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। लगभग आपका 1.5-2 महीना तो हो ही गया होगा। तो उसके बाद आज आए हैं अपने मोटो ब्लॉग सेटअप के साथ और नज़ारा कुछ ऐसा है। तो आज का दिन है 22 दिसंबर 2023 और फ्राइडे है, तो इसलिए सोचे आज जय माँ काली, जय हो विश्वकर्मा बाबा भगवान जी। तो आज चलिए बड़ा बाबा का नाम लेते हुए ब्लॉगिंग का शुरुआत करते हैं आज। तो जय हो भोले बाबा, जय कृष्ण भगवान राधा, जय कृष्ण, जय श्री राम, जय ब्रह्म बाबा की, जय शंकर भगवते, जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। तो चलिए ब्रह्म बाबा को प्रणाम करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज का दिन का शुरुआत करते हैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद मूड हुआ कि चलो भाई, एक बहुत दिन हो गया है मेरा मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो रहा है। तो आज एक्चुअली क्या हुआ, मैं कल रात को ही बाहर गया था हाइलाकंदी पे, तो आज सुबह सुबह आया तो टाइम मिल गया ना, सुबह सुबह जल्दी उठ गया था मैं। सुबह 7:30 बजे मैं घर पर आ गया, तो पूरा टाइम मिला था। सोचा मैं अपना सेटअप को रेडी कर लूँ, तब तक हेलमेट में माउंट वगैरह लगा कर रेडी कर लिया। और यहाँ पे देख सकते हो सिलकरी बरम बाबा मेला के बाद से यहाँ पे फूड एक्सप्रेस खुल चुका है। तो अगर किसी को खाना खाना है तो आइए यहाँ पे खा के जाइए। बट अभी तक हमने भी खाना टेस्ट नहीं किया यहाँ पर कैसा है कैसा नहीं। बट अब बाद में निकला हूँ तो सोचा आज ले लूँ एक शूट। तो आज जाएँगे हम ऑफिस से भी जा रहे हैं फिलहाल, तो बाईपास होके जाएँगे। मेन रोड में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है गाइस, पता है क्यों? अभी क्या कर रहे हैं ना ये सिलचर में, रोड में एकदम जहाँ तहाँ रोड तोड़ के पाइप घुसा रहा है, क्या क्या कर रहा है यार, दिमाग खराब। कहते हम आ चुके हैं अपना तंबू टीला के पास और यहाँ पे नाइट क्रिकेट मैच चल रहा है। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है काफ़ी अच्छा से। अगर सिलचर से कोई हो तो आप यहाँ पे जॉइन टीम ज्वाइन कर सकते हो। NIT के बगल फकीर टीला में है ये, जैसे तो यहाँ पे नाइट मैच होता है हर रोज। तो चले चलते हैं, बात करते करते आगे बढ़ते हैं। और आज सोचे हैं हम ड्रोन शूट थोड़ा सा लेंगे, टाइम कम है बट कोई नहीं, 5-6 मिनट का अगर ड्रोन शूट निकाल पाए। क्या होता है ना, ड्रोन को रेडी करना और मोबाइल में सेटअप करते करते ये आपका 10-15 मिनट लग जाता है, वही एक दिक्कत है। तो देखते हैं जितना कम टाइम में हो सके इसको रेडी करके थोड़ा सा फ्लाई करते हैं। तो फिलहाल अभी हम ड्रोन को फ्लाई करने के लिए तैयार है, अभी फ़ोन को निकालते हैं पहले। और देख सकते हो भाई, आज का मौसम काफ़ी बढ़िया है, वरना सुबह सुबह कोहरा रहता है, तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो आज थोड़ा सा सोचे एक मोटो ब्लॉगिंग कर ही लें काफ़ी दिनों बाद, आज इसको फ्लाई करते हैं। तब तक इसको इसकी तो गाइस, फिलहाल अभी हमने ड्रोन शूट ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से लगभग बहुत ही दूर है हम लोगों का ऑफिस, तो सोचे अब निकलते हैं। और चारों ओर क्या हुआ है, खेत था गाइस, तो चारों तरफ से धान पूरा काट दिया गया है। तो अभी देखने में मतलब बंजर जैसा लग रहा है, जब धान था ना बहुत खूबसूरत लग रहा था, बट क्या करोगे गाइस। तो जाएंगे
काम करते हैं भाई, बाईपास की तरफ उधर से जाने से थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। तो अपने पास बाइक है, हम इधर से थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेते हैं, इधर से थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा ये गली से। ये जाके आपका रहीम का दुकान जो है वहाँ पे निकलेगा गाड़ी। ये जो ब्लॉक वाला रोड है ना गाइस, ये रोड तो मतलब अपने गाड़ी का मतलब आधा जान मार देता है। ये रोड ही इतना ज़्यादा वाइब्रेट, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब है ना ये ब्लॉक, मतलब बहुत हार्मफुल है यार, बहुत ही ज़्यादा। क्या समझ के रोड में देते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। देखो ना, बैठाया नहीं एक भी सही से। अब देखो बाइक कितना ज़्यादा उछल रहा है, कोई भी गाड़ी देखो स्मूथली नहीं चलेगा यहाँ पे, कूदेगा ही कूदेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पब्लिक स्कूल रोड पे, और इस गली से हम लोग जाके कोमला रोड होके निकलेंगे बिल पार्क का जो गली है उस गली पे, और इधर से हम चले जाएंगे पान पट्टी होके चले जाएंगे, इधर जाके निकलेंगे। रास्ता क्या करोगे भाई, ये तो हमारा ये सब गली में कभी भी गाड़ी चलाओ गाइस एकदम बिल्कुल धीरे धीरे, क्यों पता है कोई भी कहीं से निकल जाए, क्योंकि गेट है यार, एक गली है, कोई भी निकल सकता है। बाकी क्या बोलते हैं, सावधानी हटे दुर्घटना घटी, सावधान से चलना पड़ेगा क्योंकि ये गली छोटा है और लोगों का घर है, तो किसी को भी आप दोष नहीं दे सकते हो। लोग तो निकलेंगे, अब लोग निकलेंगे तो हॉर्न तो थोड़े ही मारेंगे लोग, पैदल पैदल निकलेंगे। तो अपना खुद का सेफ्टी रखा कीजिएगा, हम भी क्या ज्ञान दे रहे हैं। अभी जाएंगे हम इस गली में, इस गली से अभी जाके निकलेंगे पान पट्टी की तरफ। तो चलिए, ये क्या है भैया, रसून, रसून सस्ता हो गया है क्या, इतना ज़्यादा सा रसून लेके जा रहे हो। तो गाइस आप लोगों से बातचीत करते करते फाइनली हम अभी सदरगढ़ के ब्रिज पे चढ़ गए हैं, उठ गए हैं, और यहाँ पे दूसरा जो ब्रिज है उसमें काम चल रहा है, तो काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है, काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। तो ये ब्रिज और कुछ दिन में शायद ओपन हो ही जाएगा, तो थोड़ा सा इस ब्रिज का लोड कमेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बट पहले तो वो भी इतना ही लोड झेल रहा था। और ये जो रोड है ब्रिज का बना हुआ है गाइस, ये जो पिच बनाया है ना, इसको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ से छूट के जा रहा है, थोड़ा आगे और भी छूटा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, खेला हो गए, पीच अपने आप छिटक के जा रहा है भाई, क्या को। चलिए चलते हैं, हम अब आ चुके हैं रोंगपुर पे, अब अपना ऑफिस के पास पहुँचने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, होप करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ब्लॉग में कुछ ऐसा खास नहीं था, बहुत दिनों बाद मैंने मोटो ब्लॉगिंग किया है और अपने ड्रोन शूट कुछ अच्छा अच्छा लिया है, और एक दो सिनेमैटिक शूट से वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग गया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आपसे।